नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और मैं शशि भूषण। और आज हम छठ महापर्व को लेकर जो झारखंड सरकार ने कल गाइडलाइंस जारी किया है उस पर बातचीत करेंगे। सरकार ने एक तरफ से मना कर दिया है कि आप जो है छठ घाट पर जाकर तालाब में नदी में छठ नहीं मना सकते हैं और आप अपने घरों में मनाएं। ये नियम कितना प्रासंगिक है इस पर हम सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई लोग सामने आ रहे हैं, कई लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उन्हीं की सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है तो क्या कुछ बोले। हालांकि वो भी इस बात को व्यवहारिक नहीं मान रहे। हमारे साथ बीजेपी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष महानगर के गुंजन जादव जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि बीजेपी के क्या स्टैंड रहेगा। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए दिशा निर्देश जारी। अगर आप इस दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ते हैं तो इस दिशा निर्देश में यह देखने को मिलता है किस प्रकार राज्य सरकार हिंदुत्व की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोविड-19 का संक्रमण है और कोविड-19 के मद्देनजर हम लोग भी एहतियात के तौर पर सभी तरह के प्रिकॉशंस को फॉलो अप कर रहे हैं, परंतु राज्य की सरकार है, राज्य सरकार ने डायरेक्ट ये कह दिया कि छठ महापर्व हमें नहीं मनाना, किसी नदी किनारे नहीं मनेगा, कोई जलाशय में नहीं बनेगा, कोई छोटे तालाब, बड़े तालाब, कृत्रिम तालाब, अगर चार पांच व्यक्ति मिलकर के एक तालाब बनाते हैं वहां भी नहीं बनेगा। तो ये एक हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला निर्णय। मैं हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस आदेश पर वो पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके एक ऐसा आदेश लाएं जो आम जनमानस का आदेश हो। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूं। कोविड-19 एक समस्या है, परंतु राज्य सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? समस्या का समाधान निकालना, ना कि समस्या पे हाथ धरे बैठना। छठ के लिए सरकार ये मापदंड तय करती कि एक छठ व्रतधारी के साथ चार लोग जाएंगे, परिवार के सारे लोग छठ घाट पर नहीं जाएंगे, 10 साल से उम्र के बच्चे छठ घाट पर नहीं जाएंगे, 60 साल से ऊपर के लोग नहीं जाएंगे। ऐसा कोई गाइडलाइन आना चाहिए था, कम लोग छठ घाट में इकट्ठा होंगे, छठ घाट को अच्छे तरीके से सैनिटाइज कराना चाहिए था। आप बिहार सरकार जो हमारे बगल में राज्य है, उन्होंने नदियों में प्रतिबंध लगाया भाई साहब, परंतु छोटे तालाब में उन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया। छोटे तालाब में उन्होंने जो भी नगर की एजेंसी है उसको ये जिम्मा दिया है कि वह तालाब अच्छे तरह से साफ हो, वहां सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, वहां जो छठ व्रतधारी जाए उनको आप सैनिटाइजर का उपयोग कराइए, 2 गज की दूरी का आप मानक को पालन करवाइए। ऐसा बिहार सरकार का आदेश है। आप बिहार सरकार और झारखंड सरकार के आदेश को समानांतर रूप से पढ़िए, दोनों का मिलान करिए, तो आपको पता चलेगा बिहार और झारखंड के जो आदेश है उन दोनों में काफी अंतर है। मेरा कहना है या छठ पूजा समिति के लोगों का कहना है, सरकार लोगों की भावना को समझे कि भैया यदि कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी तो इस महामारी में चुनावों में रैलियों के आयोजन का अनुमति कैसे दिया गया? आपको लगता है कि छठ के घाट पर बहुत बड़ा भीड़ हो जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के एक साधारण कार्यकर्ता तक का रैली जुलूस हुआ है अभी बिहार के चुनाव से लेकर के और अन्य राज्यों के उपचुनाव तक के बीच में, जिसमें लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया यदि उसकी अनुमति हो सकती है तो फिर इस पूजा पर प्रतिबंध क्यों? हम लोगों ने सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद ये सुनिश्चित किया कि हम लोग अपना कोई विचार बनाएं, उससे पहले सारी लोगों की भावनाओं से हम लोगों को सरकार को अवगत कराना चाहिए और सरकार के पास अपनी बातों को रखना चाहिए। देखिए, हम लोग का कहना सिंपल है कि सरकार कुछ कुछ काम कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो जितने छठ घाट हैं चयनित हैं सरकार के पास, सबकी सूची है, अगर नहीं है तो सरकार बोले हम लोग अविलंब, चूंकि हम लोग के पास तो हाथ में है, हम लोग तुरंत उपलब्ध भी करा दें, उन छठ घाटों को बैरिगेटिंग करा दे सरकार। और बैरिगेटिंग कराने के बाद सरकार अपने लोगों को खड़ा करे, जो लोग अगर टाटा कंपनी में रोज 30-40-50 हजार लोग जाते हैं जिनका टेम्परेचर चेक किया जा सकता है गेट पे, उनका सैनिटाइजेशन किया जा सकता है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो क्या सरकार एक दिन 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों का पूरे स्टेट के अंदर में सैनिटाइजेशन नहीं कर सकती है? और नहीं कर सकती है तो जमशेदपुर में हम लोग इसके लिए तैयार हैं, सरकार वो व्यवस्था बनाए, बैरिगेटिंग करे, हम लोग के कार्यकर्ता रोड पर खड़े होंगे, टेम्परेचर मीटर लेकर के लोगों का टेम्परेचर नापेंगे, अगर जिसका टेम्परेचर ठीक है उसको सैनिटाइज करके अंदर जाने देंगे। सरकार ये कह सकती है कि इस बीमारी से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ऐसे भी हमारे धर्म में कोई किसी को थोड़े छूछा करता है, छठ पूजा करने वाले आदमी से लोग ऐसे ही दूर रहते हैं, बगल से जमीन को प्रणाम कर लेते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, तो भैया इसमें कौन एक दूसरे से टच करेगा?
चंद्रगुप्त जी, पहले तो आपका सोशल समाज में स्वागत है। अभी जब पोलिंग बूथ पे वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, दुर्गा पूजा का अवसर आया, उसके बाद काली पूजा का अवसर आया, और कल अगर बात की जाए तो बिरसा जी का जो महापर्व था कल, उसमें एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली, तो क्या सर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना का अभाव नहीं था? इस पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैं दोषी मानता हूँ कि अन्य प्रोग्राम में, इसे बिहार में इलेक्शन हुआ हजारों हजारों की संख्या में, वह बंगाल हुआ, बंगाल में भी देखिए हजारों हजार लाखों की संख्या में होती है, यहाँ पर बहुत सी प्रोग्राम होती है उसमें सैकड़ों आदमी की संख्या में होती है, लेकिन छठ पर्व जो महान पर्व है, जो कि हर धर्म जात के लोग इसको छठ मैया का पूजा करते हैं, ऐसे में सरकार ने एक नियम बना देना चाहिए था कि आपको कोरोना के डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैक्स लगा करके पूजा कर सकती है छठ मैया छठ व्रतधारी, लेकिन किसी भी तालाब में किसी भी छठ घाट में पूजा नहीं होगी। ये तानाशाही का रूपरेखा जो हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार का है, हम छठ मैया से यही आग्रह करते कि छठ मैया आप उन पदाधिकारियों को, चाहे वो राज्य के हो या आपको केंद्र सरकार के हो या प्रशासनिक पदाधिकारियों को, उनको शक्ति शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बनावे ताकि यहाँ की जनताओं को छठ व्रतधारियों को राहत मिल सके, उन लोगों को कल्याण हो सके। राज्य सरकार केंद्र सरकार या प्रशासनिक पदाधिकारी की जो तानाशाही है के छठ मैया वैसे व्यक्तियों को दंडित करे, आम जनताओं को, गरीबों को, दुखियों को, असहायों को, मजदूरों को, किसानों को के ऊपर अत्याचार नहीं हो सके। ये बात सही है कि बहुत से हमारे 70% ऐसे भी हमारे यहाँ की जनताएं हैं, माताएं बहनें हैं, जो कि 10-11 फीट की दूरी पर बना हुआ उनका मकान है, वे पूजा कहाँ करेंगे, वे लाचार होकर छठ मैया से आग्रह ही करेंगे छठ मैया उनको बुद्धि विवेक की ज्ञान दे ताकि वे दोबारा इस तरह का तानाशाही वाला रूप ऑर्डर पास न कर सके। छठ घाटों एवं तालाबों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल के दौरान ये जो आपदा है, हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, और हम सभी ये कामना करते हैं कि वैसी स्थिति ना बने, छठ पर्व मनाने पर आस्था पर किसी तरह का कोई चोट ना पहुंचे। पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो गाइडलाइन जारी हुई है, आप लोग के क्या राय है, क्या विचार है? अपने सहयोगी सृजन के साथ, अपने सहायक CH राम मूर्ति के साथ, शशि भूषण, सृजन मिश्रा, सोशल संवाद न्यूज, जमशेदपुर, झारखंड।